नमस्कार स्टुडियोत मैं सौरभ ठाकुर यह मुहूर्त लैस राज्य गुरुत्वपूर्ण खबर क्यों छयोषी जनजातिकरण जी आलोचना आलोचनार आनुष्ठानिक समाप्त घटी से जनजातिकरण आनुष्ठानिक आलोचना समाप्त मंत्य कर मंत्री हिमंत विश्व शर्मा और मंत्री गोटे प्रतिबेदन दाखिल कर राज्य सरकार और प्रतिबेदन जनजातिकरण प्रक्रिया समाधान हम मंत्य कर अक्टूबरते यह प्रतिबेदन दाखिल करा हब और किसु प्रश्न अमीमांसित हो रोल मंत्य कर केंबाटाओ जनगोषी संगठन सहित यह आलोचना आज आलोचनार पसते मंत्य कर मंत्री हिमंत विश्व शर्मा और मंत्री गुटे विभिन्न दल संगठन सहित छयोषी जनजातिकरण जी आलोचना मिलित आलोचना आज समाप्त घटी और अक्टूबर माहते प्रतिबेदन दाखिल कर राज्य सरकार और सही प्रतिबेदन केन्द्रीय सरकार प्रेरण कर राज्य सरकार आम हाथ मंत्री हिमंत विश्व शर्मार मंत्य आज मंत्य आग बढ़ाई आज आम समग्र दिन तो छयोषी जनजातिकरण सम्पर्क आलोचना करूँ जो कल दिशा आम गुरुत्वपूर्ण और दीघलिया आलोचना कर बहुखिनि समस्या समाधान किसु प्रश्न अमीमांसित आसु जी की नक मंत्री सभार गोटने निजर दायित्व समापन कर अक्टूबर माहर भरते निजर प्रतिबेदन दाखिल और आम आशा करूँ जरिए एक समस्या समाधान क्षेत्र आम किसु आग पार विषयटक निर्वाचन जड़ित नागे और मैं भाँ विषय अराजनैतिक भावे चुना उचित निर्वाचन आने जी काम हम बहु शबर कारण थको गति के मैं इलेक्शन सम्पर्क देखा ना प्राय बहुबी दूर और किसु आ गए दूर हुआ मत पार्थक्य संख्या प्राय 60% और 40% मत पार्थक्य आ किसु और एक दुई लानी अनानुष्ठानिक आलोचनार पिछत मैं भाँजे आम 30 अक्टोबर लेके ए प्रतिबेदन तार आगते आम प्रतिबेदन दाखिल आलोचना नहब खूब सम्भव कारण सकिए निजर कथा कैसे जदि कोनोबा क्षेत्र क्या आम दूटा क्षेत्र किसु स्पष्टीकरण विचार क्या कथा एन चिठी विचार कागज पत्र लैंते कहो कथ पो बेलेग कथा कि अनानुष्ठानिक आलोचना हम पारे कि आनुष्ठानिक आलोचना इमानते सामरणी तार पिछत केन्द्रीय सरकार ऊर मडेलिटी तो कर दियार दायित्व आम आम मडेलिटी तो कर दीम केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट हमें आलोचना नक हम कि केन्द्रीय सरकार जो आम क्या रिकमेंडेशन ऊपर आईनर भ्यू लब खोजे आन किसु थे प्रसेस तो कि हम सीट मैं नजानो राज्य सरकार प्रसेस तो आम सम्पूर्ण कर आपलोल जाने जो प्रति सरकार निर्वाचन आग मुहूर्त ललिपप खुआ जो आम एबार सरकार सकिया दीसूँ जो आपलोल निर्वाचन आगत आम ललिपप एने आभुआ भरा व्याख्या आम नक आम एक बारे अशिक्षित ला ना आज 30 बसर दिन रास्त आम आंदोलन कर ये समय पासी आम कथा तो बारे पति कह आसो कि कैसे जो केवल निर्वाचन पूर्वे धरी लो नागे भविष्य कारण धरी लोन कैसे कि डेफिनेटलि निर्वाचन आगे हम लगे तो आम तो कैसे और तार जदि नएरण चल थे रिपार्केशन हम देर उल पलिटिकल रिपार्केशन थे कोच राजवंशी महे चंदा सिंह तालुका डांगरियाली कोच राजवंशी आज दिन केंबाटाओ दल संगठन जी छयोषी संगठन आए छयोषी संगठने बहुदिनिया दबी जनगोषीक जनजातिकरण कर लगे और सभा आज अनुषित और सभा जो कल दिन किसु पर्यात आलोचना आज चूड़ान भावे आलोचना और ये आलोचनत किसु प्रश्न इतना अमीमांसित हो रोल मंत्य कर मंत्री हिमंत विश्व शर्मा और यार पाशते अक्टूबर माहते यह प्रतिबेदन दाखिल कर मंत्री गोटे जिस मंत्री गोटे अर्थात यह प्रतिबेदन प्रस्तुत कर दल संगठनक लगत लेदन
অক্টোবর মাহৰ ভিতৰতে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ অৰ্পণ কৰিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ অৰ্পণ কৰাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে হেয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব। ইয়াৰ পিছত আমাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই মন্তব্যটো আমি আপোনালোকক পুনৰ শুনাইছোঁ। আজি আমি সমগ্ৰ দিনটো ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিলোঁ। যোৱাকালিও এই দিশত আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু দীঘলীয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ। বহুখিনি সমস্যা সমাধান হৈছে, কিছু প্ৰশ্ন অমীমাংসিত হৈ আছে, কিন্তু যি কি নহওক এই মন্ত্ৰীসভাৰ গোটখনে নিজৰ দায়িত্ব সমাপন কৰি অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতে নিজৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আৰু আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে অসমৰ এই সমস্যা সমাধানটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছু আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। এই বিষয়টোক নিৰ্বাচনৰ লগত জড়িত কৰিব নালাগে আৰু মই ভাবোঁ যে বিষয়টো অৰাজনৈতিকভাৱে চোৱা উচিত। নিৰ্বাচন আহিব যাব, কিন্তু এইটো যিটো কাম হ'ব বহু শ বছৰৰ কাৰণে থাকিব, গতিকে এইটোৰ লগত মই ইলেকশ্যনৰ সম্পৰ্ক দেখা নাই। প্ৰায় বহুবিলাক দূৰ হৈছে আৰু কিছু আছে, গতিকে দূৰ হোৱা মত পাৰ্থক্যৰ সংখ্যা প্ৰায় 60% আৰু 40% মত পাৰ্থক্য আছে। কিছু আৰু এক দুই লানি অনানুষ্ঠানিক আলোচনাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে আমি 30 অক্টোবৰলৈকে এই প্ৰতিবেদনখন বা তাৰ আগতে আমি এই প্ৰতিবেদনখন দাখিল কৰিব পাৰিম। আৰু আলোচনা নহ'ব খুব সম্ভৱ, কাৰণ সকলোৱে নিজৰ কথাখিনি কৈছে। যদি কোনোবা ক্ষেত্ৰত কিবা আমি দুই এটা ক্ষেত্ৰত কিছু স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছোঁ, কিবা এটা কথাত এখন চিঠি বিচাৰিছোঁ, সেই ধৰণৰ কাগজ পত্ৰখিনি লৈ আহোঁতে কোনোবা আহিলেতো কথা পাতিব লাগিব, এইটো বেলেগ কথা। কিন্তু অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হ'ব পাৰে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক আলোচনা ইমানতে সামৰণি পৰিছে। তাৰপিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত মডেলিটিটো কৰি দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ আছিল, আমি মডেলিটিটো কৰি দিম।